আমি শুধু এটাই বলবো আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে এবং আমার জেলাবাসীকে যে 16 তারিখ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে আপনারা সবাই দেখেছেন এবং এরপরে যে দু একটা ঘটনা ঘটছে এগুলো একদমই রাজ্যের মানুষ এই জেলার মানুষ পছন্দ করছে না। আমি প্রত্যেক নাগরিককে বলবো সবাই যেন এর বিরোধিতা করে আমাদেরকে সহযোগিতা করে আমাদের ইনফরমেশন দেন। আমরা দিন রাত পরিশ্রম করছি, শুধু ইলেকশন না, ইলেকশনের পর মুহূর্ত পর্যন্ত 4 তারিখ স্যার বলেছেন 4 তারিখ পর্যন্ত ইলেকশন কমিশন আমাদের দিকে নজর রাখছে। আমরা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা নিচ্ছি। দুটো ঘটনা ঘটেছে, অনেক সময় কি হয় ছোট ছোট ঘটনা রাজনীতি টার্ন নিয়ে নেয়, এরকম যেন কেউ না নেয়। অনেকের ব্যক্তিগত শত্রুতা, পারিবারিক শত্রুতা, প্রতিবেশীর শত্রুতা, এটাও দেখা যাচ্ছে পলিটিক্যাল টার্ন নিচ্ছে। তো আমি রাজনৈতিক দলের যারা প্রতিনিধি আছেন বা সাধারণ শুধু নাগরিক আছেন প্রত্যেককে আমি আপিল করব, এখন ইলেকশন শেষ, রাজনীতি শেষ। আমরা এই রাজ্যকে, এই জেলাকে শান্তিপূর্ণভাবে রাখতে চাই, সাধারণ জীবনযাপন যেন চলে সেদিকে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। পুলিশ প্রতিনিয়ত আপনাদের পাশে আছে, সতর্ক জাগ্রত অবস্থা। কি আমি হাম লোক চাহতে হ্যাঁ কি আপকে মাধ্যম সে সবকো ইহি আপিল করনা কি আব পোল খতম হো গয়া হ্যায়, তো পোল রিলেটেড পোস্ট পোল কোই সা ভি এসা ঝড়প ইয়া এসা কোই ভি ক্লেশ না হো। আপ জো ভি কমপ্লেন্ট হ্যায় আপকে হামারে পাস পৌঁছাইয়ে, পুলিশ কে পাস পৌঁছাইয়ে আর হাম লোক উস পে কারবাই করেঙ্গে, জরুর করেঙ্গে। তো ইয়ে মে সবকো বলনা চাহতা হুম, और सर ने जैसे बताया कि हमारे पास अभी भी सफिशियंट फोर्सेस है, तो कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ ज़रूरत हुआ कि हमें एरिया डोमिनेशन या फिर पेट्रोलिंग करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। तो इसलिए सबसे फिर से दरख्वास्त है कि आप लोग जो भी इतने अच्छे वातावरण में हमारा पोल कंडक्ट हुआ तो उसके बाद ऐसा कुछ ना करें, ताकि ये जो एक हम लोग आप सबके कोऑपरेशन से एक अच्छा सर के नेतृत्व में एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कर पाए हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें ना हो, हम शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और आप सबसे इस चीज़ में हमें मदद चाहिए। थैंक यू। त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ, हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले 7 बजे पहले देखा काफी बड़ी मात्रा में लोग लाइन में खड़े थे और 4 बजे वैसे चुनाव का समय समाप्त होता है, लेकिन त्रिपुरा में काफी बड़ी मात्रा में वोटिंग होती है, उसके कारण करीब 1682 पोलिंग स्टेशन में 4 बजे के बाद भी काफी लोग लाइन में खड़े थे। एक अनुमान लगाया गया है, एग्जैक्ट नंबर भी हमारे पास उस रिकॉर्ड में है उपलब्ध, करीब 2 लाख लोग लाइन में खड़े थे 4 बजे। तो उन्होंने फिर बाद में वोटिंग किया, कहीं पे 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 तक लोग लाइन में खड़े थे। तो सबसे लास्ट का जो मतदान हुआ वो 10:55 पे रात को तेबंदल में हुआ, धर्मपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। रात को सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में वापस लाए गए और सभी स्ट्रांग रूम कैंडिडेट और सभी ऑब्जर्वर्स के सामने 16 तारीख को रात को ही सील किए गए। स्ट्रांग रूम सील करने के बाद वोटिंग और काउंटिंग में 14 दिन का गैप है, तो इस गैप को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। जैसे
ये सभी स्ट्रांग रूम 3 टायर सिक्योरिटी में है, अंदर सीएपीएफ है, बाहर डीएसआर है, उसके बाहर पुलिस का रिंग है। यहाँ पे सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी फिट किया गया है और वो सीसीटीवी का एक फुटेज एक रूम में टीवी पे दिखाया जाता है कंटिन्यूअसली। पर्याप्त है, देखो जैसे है ना, हम एक्चुअली इसका कोई फिगर नहीं होता, ये रफ फिगर वो होती है, ये फिगर नहीं होता, ये हम लोग सिक्योरिटी सिचुएशन है वैसे हम लोग रिलीज करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। इनका पूल होता है तो पूल से ड्रॉ किया जाता है, भेजा जाता है, कंटिन्यूअसली ये काम चालू रहता है। ओके, कंट्रोल रूम में प्रत्येक कैंडिडेट अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे दिया है, वो रिप्रेजेंटेटिव टीवी में देख सकते हैं सीसीटीवी के माध्यम से कि स्ट्रांग रूम का दरवाजा, स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी, ये पूरा 24 घंटा हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे बैठने के लिए इंतजाम किया है। और प्रशासन की तरफ से एक टीसीएस ऑफिसर सभी स्ट्रांग रूम में 3 शिफ्ट में लगाया गया है, तो सभी स्ट्रांग रूम्स को टीसीएस ऑफिसर के द्वारा निगरानी की जा रही है। कल पूरा दिन भर स्क्रूटनी हुआ, स्क्रूटनी में जैसे मशीन हम लोग स्ट्रांग रूम में बंद करते हैं, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आता है तो उसके पास पोलिंग स्टेशन में पहुंचने के बाद जो जो कार्रवाई हुई उसका रिकॉर्ड होता है, तो उसे कहते हैं पोलिंग स्टेशन डायरी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी होती है, वो डायरी में एक एक चीज लिखता रहता है, जैसे समझो जैसे वो वहां पे कितने बजे पहुंचे, वहां पे उनको क्या क्या अरेंजमेंट मिली, फिर उन्होंने पोलिंग स्टेशन की तैयारी कैसे कैसे की, कितने वहां सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वेबकैम के बारे में कौन कौन चुनाव कर्मी थे, कितने बजे मॉकपोल किया, पोलिंग एजेंट कौन आए, समझो किसी ऑफिसर ने वहां विजिट किया, कोई वीआईपी विजिट किया तो उनका एंट्री वो लोग वहां पे लेते हैं। तो अगर समझो मशीन बंद हो गया, कितने बजे बंद हो गया, रिप्लेस हो गया, पूरा घटनाक्रम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डायरी में होता है। और जो जो वोटिंग हुआ उसके 2 फॉर्म होते हैं, फॉर्म 17A फॉर्म 17C, तो इसको चेक करते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर पोलिंग स्टेशन की जो टीम होती है उनके सामने चेक करते हैं, उसे स्क्रूटनी करते हैं। वो स्क्रूटनी कल सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गई। परसों जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के लास्ट पार्ट में हमें दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, त्रिपुरा के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें रिपोर्ट का डिमांड आया था और माताबली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिमांड आई थी, तो वो डिमांड हमने जो ऑब्जर्वर है उनको हमने दे दी थी कि ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन में डिमांड आई है। तो जो मैटर उस डिमांड में लिखा था जिसके कारण रिपोर्ट मांगा गया था, तो उन्होंने उस पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग का जो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड, वो चेक किया, उसका जो भी वहां पे फॉर्म 17C 17A चेक किया, तो उन्हें ऐसा कुछ उस पोलिंग स्टेशन में नजर नहीं आया जिसके कारण ये दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिपोर्ट करने की जरूरत पड़े। कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कोई भी पोलिंग स्टेशन में टेक्निकल या पॉलिटिकल वायलेंट या कोई भी केस नजर नहीं आई, तो किसी भी ऑब्जर्वर ने रिपोल रिकमेंड नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने कल रात को लेट जब हमने प्रेस रिलीज किया आपको 9 बजे, तब डिसीजन दे दिया था कि कोई भी रिपोल करने की जरूरत नहीं है। तो पोलिंग स्टेशन में जो वोटिंग हुआ 87.76%, वो कल वेरीफाई करने के बाद हमने प्रेस रिलीज में आपको दिया। 2.19%
हुआ है बेस्ट पोस्टल बैलेट तो 89.95%, 90% से 0.05% कम। अभी भी कुछ पोस्टल बैलेट हमारे पास आ रहे हैं तो फाइनली जब काउंटिंग होगा उस दिन में एक फिगर हम लोग बाहर करते हैं कि कितने पोस्टल बैलेट ये 14 दिन में आ गए। तो करीब करीब 90% इस 2023 के चुनाव में मतदान हुआ। इसमें चुनाव के दिन 5 घटनाएं हुई जो कर्टन असॉल्ट पॉलिटिकल कार्यकर्ता के बीच में जो झगड़ा हुआ पुलिस स्टेशन के बाहर, पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब त्रिपुरा में जितने पुलिस स्टेशन है उसके 200 मीटर के अंदर कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। वो भी एक रिपोर्ट हमें देना पड़ता है कमीशन को, उसमें कोई लेकिन बाहर 5 घटनाएं हुई चुनाव के दिन तो उसके ऊपर एफआईआर किए गए। सिर्फ एक वोटर के बारे में इम्पर्सनेशन, मतलब एक व्यक्ति का मतदान दूसरा व्यक्ति करना चाहता था, सिर्फ एक हमें तकरार मिली उसके ऊपर भी एफआईआर किया गया। 16 तारीख को एक वोटर था जो दूसरे का वोट करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा जो सेक्शन 149 है जो हमने अपील में दिया था एक हमारे पोस्टल में, उसके उस अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, उस धारा के अंतर्गत एक एफआईआर की गई। तो चुनाव के दिन 6 एफआईआर हुई है पूरे राज्य में। हमने पहले से अपील की है कि जीरो पोन वायलेंस ये सिर्फ चुनाव होने तक मर्यादित नहीं है, तो चुनाव की प्रक्रिया पूरा कंप्लीट होने तक हमने अपील की है कि कोई भी नागरिक या कार्यकर्ता किसी भी वायलेंस में इन्वॉल्व ना हो। हमने देखा धलाई डिस्ट्रिक्ट में नो वायलेंस, नो पोस्टल वायलेंस, एक भी घटना नहीं हुई। नॉर्थ त्रिपुरा में एक भी घटना नहीं हुई। खोए में एक घटना हुई, खोए शहर में कल दोपहर में सिंगी छरा में एक घटना हुई, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। गुमती जिले में 2 घटनाएं हुई, एक नूतन बाजार में हुई और एक काकराबन में हुई, दोनों के ऊपर एफआईआर किए गए हैं। ऊनाकोटी में एक ही जगह में 2 घटनाएं हुई है, एक रात को और एक सुबह, कुमारघाट में 2 घटनाएं हुई। साउथ त्रिपुरा में कोई घटना नहीं हुई। वेस्ट त्रिपुरा में 2 घटना हुई है, एक राधा नगर आवासन में हुई है और रानी बाजार में हुई है। आए वो भी पूरा उनका नजर है पूरे इस पे, जहां पर भी कोई घटना होगी हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। और एसडीएम के पास आप जा सकते, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसेस आपको शायद सबसे में खुले नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो अभी एसडीएम ऑफिस से ही काम कर रहे हैं। तो एसडीएम ऑफिस में जाके आपकी तकरार या आपकी जो भी कहना है आप जाके कहिए, एसडीएम 24 घंटा वो इस ऊपर नजर दिए हुए हैं। यहाँ पे 9 घटनाएं हुई है, 9 धनपुर में हुई है, सोदामोड़ा में, नलछर में, बॉक्स नगर में और विशालगढ़ में। तो सिपाही जिले में 9, वेस्ट में 2, गुमती में 2, फिर ऊनाकोटी में 2, खोए में 1। तो इस तरीके से पोस्टल वायलेंस घटना घटी है, सभी में एक्शन लिया है। हम आपके माध्यम से हम सभी को फिर से एक बार अपील करना चाहते हैं, मिशन जीरो पोल वायलेंस सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है, सिर्फ चुनाव तक मर्यादित नहीं है, ये हमारे त्रिपुरा राज्य की एक प्रतिमा पूरे देश में तैयार होती है कि ये त्रिपुरा राज्य कैसा है। तो त्रिपुरा राज्य नॉर्थ ईस्ट में है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में मतदान होता है, लेकिन मतदान के साथ साथ वायलेंस भी होता है, कितने दिन से चलता है पता नहीं। तो ये सब चर्चा होती है नेशनल अखबार में,
मैंने देखा कि इतने अच्छे अच्छे काम हम लोग करते हैं, वो आता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी घटना होगी तो तुरंत आ जाती है, तो हमारे राज्य का नाम भी खराब होता है, इसके साथ जान माल का नुकसान होता है। कहीं पे कोई आपको तकरार है, किसी ने धमकी दी है, किसी ने कुछ किया भी है, तो प्रशासन के पास आप आइए। आज भी त्रिपुरा में काफी संख्या में पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्सेस इलेक्शन कमीशन ने हमारे पास रखे हैं। कुछ फोर्सेस जरूर कल नागालैंड और मेघालय के लिए चले गए हैं, लेकिन हमने जितनी उनको डिमांड की थी उतने फोर्सेस हमारे पास है। टीएसआर है, पुलिस पूरे 24 घंटा काम कर रही है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत रिस्पॉन्स करता है तो खुद अपने हाथ में कानून लेके वायलेंस करना, ये हमारे राज्य की संस्कृति नहीं है, हमारे राज्य का इतिहास नहीं है। तो मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप पोस्ट पर वायलेंस में आप कोई भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, हमारे वोटर हेल्पलाइन में फोन करिए, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। आज पूरा दिन भर सब डिविजन मैजिस्ट्रेट्स जो हमारे 23 है, पूरे महकुमा है 23, उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के साथ पीस मीटिंग की है, शांतता मीटिंग की है। आज अपील किया है सबको कि आप ऐसी कोई घटना ना करें कि जिससे कि ये जो हमारा बीच में 14 दिन का पीरियड है उसमें कोई ऐसी सीरीज ना शुरू हो जाए वायलेंस की, ऐसी कोई घटना ना करें। अभी मतदान हुआ है, अभी अपना अपना नॉर्मल काम करिए, बिजनेस एज यूजुअल जो बोलते बिजनेस एज यूजुअल करिए। काउंटिंग हम लोग करेंगे 2 तारीख को, फिर भी उसके बाद भी हमारे पास फोर्सेस रहेगी। हमने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की है कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए हमारे राज्य में हमें ये फोर्सेस रखने की अनुमति दीजिए, और अनुमति दी गई है। काउंटिंग के बाद भी फोर्सेस रहेंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आज सभी 8 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे यहाँ डीएम साहब और एसपी साहब बैठे हैं, उन्होंने भी सभी जायजा लिया है, और सभी फोर्सेस ने जहां जहां हमें पॉलिटिकल पार्टी से लिस्ट मिली है कि ये इलाका में हमें आशंका है कि कुछ घटना हो सकती है, तो वहां पे हमने सभी फोर्सेस को तैनात किया है। हम भले अभी फ्लैग मार्च और रूट मार्च करना नहीं चाहते, हम एक सार्वजनिक जीवन, साधारण जीवन जो होता है, नॉर्मल सोशल लाइफ हम लोग रखना चाहते हैं, कोई भी फोर्स किसी एरिया में भेजना नहीं चाहते, लेकिन जहां पर भी कोई आशंका आती है हम तुरंत फोर्स भेजते हैं। 4 तारीख तक त्रिपुरा की चुनावी प्रक्रिया खत्म होनी है, 4 तारीख तक इलेक्शन कमीशन का नजर रहता है कि राज्य में क्या हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर का क्या अपडेट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब त्रिपुरा में आए थे तो उन्होंने अपील की थी कि हम फ्री फेयर पीसफुल इलेक्शन करेंगे, और हमने देखा 16 तारीख को कि सिर्फ हमारे ऑफिसर्स और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि कॉमन पब्लिक से ही आवाज आई कि कितना फ्री फेयर पीसफुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। तो जैसे कुछ अखबार ने लिखा कि ईसीआई विंस द हार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ त्रिपुरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मन जीते। तो जब आप इतनी सराहना कर रहे हैं तो झगड़ा मत करिए, यही मेरी आपके माध्यम से सभी को अपील है। मैडम आप बोलिए कितना दिन रखना है, उतना दिन रखेंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्दी वो चले जाए, दूसरे ड्यूटी में करें, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन काउंटिंग के बाद में तो ज्यादा वायलेंस होने का, तो काउंटिंग के बाद में एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी शुड रिस्पेक्ट द पब्लिक ओपिनियन, ये तो डेमोक्रेसी है। एकदम नहीं होना चाहिए, अभी भी नहीं होना चाहिए। हमने नॉर्मल लाइफ हो गया, अभी चलो परसों इलेक्शन हो गया, कल और थोड़ा समझो क्या रिव्यू हो गया, अभी तो थोड़ा नॉर्मल लाइफ में जाना चाहिए। हमें जितना दिन चाहिए उतना दिन कमीशन परमिशन दे। कमीशन नहीं चाहता कि इलेक्शन की वजह से कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, कोई राज्य में प्रॉब्लम हो, हम नहीं चाहते। पोस्टपोन वायलेंस में कोई अरेस्ट हुआ अभी तक?
काफी अरेस्ट हुए, जो 15 घटनाएं मैंने बताई, मैंने आपको काउंट करके बताया 16 घटनाएं, वो सभी पे कार्रवाई हुई। और आप बताइए सर, आप कोल डे में 6 एफआईआर की बात कर रहे थे, लेकिन बाकी जो सारे इंसिडेंट क्या लिस्ट किए, 16 घटनाएं सारी डिस्ट्रिक्ट में, वो तो पोस्टपोन वायलेंस, पोस्टपोन वायलेंस कल की है, इनमें टोटल एफआईआर कितने हैं और कितने अरेस्ट हुए हैं? 16 में 16 एफआईआर है, 16 एफआईआर है। सर अरेस्ट कितने हुए हैं? 21 लोग अरेस्टेड है। नोटिस तो और ज्यादा है, 150-200 नोटिस है। जो लोग समझो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम अरेस्ट करते हैं, और जो सपोर्टर्स होते हैं या उनके साथ में जो लिंक होती है वो नोटिस दी जाती है। Yesterday there was some fight, then there was attack on some party offices. So police and other forces were there, so they tried to control it. So we have deployed maximum forces there. We have been able to control it, but there were back-to-back incidents there. That's why, like say in Radhanagar, Awasan also back-to-back two incidents. Then in Rani Bazar also back-to-back two incidents. Means counter incident. So like that. So it becomes a chain of events. No? सर, तो 16 जगह में हुआ है त्रिपुरा में, तो हम चाहते हैं कहीं ना, इसीलिए तो मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ सभी। ठीक है सर, अपील ऑफ जीरो पोल वायलेंस, इज इट समहाउ बीइंग हैम्पर्ड बाय दिस यू नो पोस्ट पोल बाय सो आई रिक्वेस्ट पीपल ऑफ त्रिपुरा नॉट टू हैम्पर। सर, वोटर इंपैक्ट, बिकॉज़ सी आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 5 इंसिडेंट्स और 16 इंसिडेंट्स। इफ यू कंपेयर दिस विद द प्रीवियस, it is very less, but we want zero. जैसे समझो मेघालय में इलेक्शन हो रहे हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वहां पे कवर कर रहे होंगे, आप देखिए, मुझे उस दिन ऑब्जर्वर साहब बोल रहे थे कि मेघालय में वो स्पेशल ऑब्जर्वर साहब यहां से गए थे, वो दोनों राज्य का काम देख रहे हैं, तो बोले कि 6 अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के लोग डीएम ऑफिस के सामने, 1500 लोग थे, दे ऑल वेर डांसिंग, दे ऑल वेर giving slogan of their parties, और 6 अलग अलग flags उस भीड़ में दिखाई दे रहे थे, not a single incident, मतलब पूरा दिन भर जो nomination चल रहा था उसमें 6 अलग अलग political parties, 1500 लोग, और सब लोग अपना slogan दे रहे, नाच रहे, ये कर रहे, सब मना रहे, not a single incident। ये तो हमारा ही neighboring राज्य है। What is the reason behind? What you have been in Tripura also, you have experienced so many elections. हम लोग भी अभी improve हो रहे हैं, but हमारे improvement होने का speed थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ना वो त्रिपुरा का culture थे। What is the culture? ना अच्छा culture। नहीं, हमारा culture अच्छा है, हमारा history भी अच्छा है, लेकिन अभी जो हमारी generation है, उन्होंने उस culture और history का respect करके, ये सब जो instigation होता है ये, कि उसको reaction होती है। इसको थोड़ा सा पेशेंस दिखा के कंट्रोल करना चाहिए और अथॉरिटी के पास अप्रोच होना चाहिए। सर, वोटर इंपर्सोनेशन का जो घटना है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिला है? सॉरी, वोटर इंपर्सोनेशन जो एक कॉम्प्लेंट मिला है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिला है और कौन से ग्रुप से? अगर ये मैं गोमती से मिला है, मैं आपको एग्जैक्टली बोल दूंगा ग्रुप में आपके।